मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमारे दोस्त रवि यहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर रवि के ऊपर कोई घटना गुजरती है, कोई अत्याचार होता है, भले ही 4-5 लोग उनको उनपे अटैक करते हैं, उनको मार लगता है, तो सबसे पहले किसको दर्द होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे पहले किसको दर्द होगा? किसको? जोर से बोलो, किसको दर्द होगा? हम लोगों को कैसे होगा? सबसे पहले तो उनके घर में जो उनके माँ बाप भाई बहन है उनको दर्द होगा, होगा क्या नहीं? सबसे पहले उनके घर में जो उनके माँ बाप भाई बहन है, अगर उनको कुछ भी हुआ तो सबसे पहले उनको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं खून का रिश्ता। क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन, है क्या नहीं? उसके बाद जब घर वालों को छोड़ के और किसको दर्द होगा? किसको होगा उसके बाद? दोस्त नहीं, समाज, दलित समाज। ये हमारा दलित समाज का है, दोस्त मुसलमान भी होते हैं, अब बहुजन समाज में जितने भी कास्ट हैं सब होते हैं, सब लोगों को नहीं होता है, सिर्फ समाज, सच कह रहा हूं ना, समाज को होता है। जब दलित समाज को छोड़ के रवि के ऊपर अटैक हुआ है, दूसरे अगर समाज को होता है तो वो सिर्फ मुसलमान समाज को होता है, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हारे को। और इसी तरह से मुसलमान समाज पे अटैक होता है तो उनके घर वाले उनके समाज को छोड़ के किसी को दर्द होता है तो इस भारत देश में सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को होता है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, मुसलमानों और बहुजनों का खून, दलितों का खून एक ही है। क्योंकि मुसलमानों का और दलितों का खून का रिश्ता है, समझ में आया? ब्लड रिलेशन है। इसीलिए तुमको जब दर्द होगा तो हमको होगा, हमको जब दर्द होगा तो तुमको होगा, समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे जातिवाद नहीं है, भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है कि यहां पे सब लोग मिलके, ये भारत एकता मिशन, इसका मकसद ये है पूरे भारत देश को जोड़ना। जितने भी मनोवादी, जितने भी इस देश को तोड़ने की ताकत, जितने भी ताकतें तो देश को तोड़ने में लगे हैं, उन सभी को